अच्छा, आप करते हैं श्याप भाई के बारे में बात के देखिए, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ आ रही है। अच्छा गाइस, अभी अरबाज गया है अपनी प्रिंसिपल मैम के पास, जा ही नहीं रहा था बहुत डर डर। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो, 1 2 3 स्टार्ट। हे एवरीवन, इट्स जैक बॉय, इट्स जैक बॉय, कम ऑन टुगेदर, कम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। नेरोन के साथ नई वीडियो के साथ नागपुर में। हाँ भाई, हाँ नागपुर में, आगरा में नहीं, दिल्ली में नहीं, पंजाब में, नागपुर में स्वागत है। फर्स्ट डे आपने देख लिया मेरा नागपुर में, मैंने लास्ट दरगाह एक्सप्लोर करी। तो सेकंड डे भी हम आ चुके हैं यहाँ पे विधान भवन चौक है, और यहाँ पे एक दरगाह है जिस दरगाह का नाम है मीठा नीम शरीफ दरगाह का नाम है। तो उस दरगाह को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, मैं और मेरा बाज। सो फिलहाल हम विधान भवन चौक है यहाँ पे खड़े हैं, सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, भाटा वालों की बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये यहाँ पे। तो हम कोशिश कर रहे हैं, मीठा नीम शरीफ जी की दरगाह है जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, और मेरे एक दोस्त भी आ रहे हैं, फ़ोन पे हमेशा बात हुआ करती थी, इजाज़ भाई, उनके साथ मेरी हमेशा बात होती थी, और यहाँ पे नागपुर के ही हैं, वो भी आएंगे, उनसे मिलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे, हम भी खुद भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो करते शुरुआत। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, मेरा नाम अब्दुल गफ्फार खान है, मैं कॉल ट्रैवलर हूँ, दुनिया घूमने के लिए निकला हूँ। अगर आप लोगों ने भी दुनिया देखनी है तो जुड़ जाइए फॉर व्लॉग्स के साथ। कुछ नहीं करना है, मैं बताऊंगा क्या करना, कैमरा सीधे अपनी तरफ करो ना ऐसे। यार आज मौका मिला काफी दिनों के बाद, तो मेरे खाना खाया हुआ है वो मारेगा। बस यार भाई ऐसे, ये जो ना सब्सक्राइब का ऑप्शन वहाँ आ रहा होगा रेड कलर का, उसको ऐसे तोड़ना, मुक्कू से तोड़ो यार, ट्राई कर देना। इस चौक को अगर मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ आपको, अगर मेरी उंगली की तरफ देखेंगे आप, तो मीठा नीम शरीफ आपको बिल्कुल सामने ये दरगाह आपको दिखेगी। ये है मेन चौक, विधान भवन जिसको कहते हैं, और ये सामने है बटर का शोरूम, बड़ी सारी बिल्डिंग है यहाँ पे, उधर से बसेस उस साइड राइट साइड भी जाती हैं, स्ट्रेट भी जाती हैं गाड़ियाँ, और यहाँ से लेफ्ट भी जाती हैं। और यहाँ पर एक स्टेचू है, वो है गोंड राजा, जैसे क्या पढ़ सकते हो यहाँ पर, गोंड राजा बख्त बुलंद शाह जी का एक पुतला है, मैं वहाँ पे आपको दिखाने जा। और यहाँ पे ही इसी चौक के बीच में एक स्टैचू है, और स्टैचू मैं दिखाने के लिए तो आया हूँ आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे कुछ कंबल्स ब्लैंकेट्स वगैरह भी दिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आई थिंक लोग सोते भी हैं, कहीं मुझे फ़ाइन ना हो जाए यहाँ पर दुखा हुआ तो, कहीं भी नहीं है रिस्ट्रिक्शन को लेकर। सो जनाब, दरगाह देखने से पहले हमने एक म्यूज़ियम में एंट्री ली, और एंट्री लेते ही हमें बड़ी डिफरेंट डिफरेंट किस्म की और मज़े की चीज़ें देखने को मिली। जैसे कि बिल्कुल सामने आप लोग देख सकते हो ट्राइबल आर्म्स आपको दिख रहे होंगे, तो जितने भी पुराने लोग थे ये सब आर्म्स को यूज़ किया करते थे, लकड़ी काटने के लिए, कोई चीज़ भी काटने के लिए इन सब का यूज़ वो किया करते थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये सामने जो आपको दिख रही है, ये स्वॉर्ड्स दिख रहे हैं, ये चाकू दिख रहे हैं, जितने भी हैं ये सारे मुगल्स के टाइम के थे, मुगल्स इनको सब यूज़ किया करते थे। वो इन सब हथियारों का यूज़ जंग में करना या किसी भी चीज़ के लिए करना, वो ये सब यूज़ किया करते थे। उसके बाद जितने भी आर्म्स या वेपन्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे राजपूत टाइम के हैं, राजपूत पीरियड के टाइम सबको ये यूज़ किया करते थे। और उसके बाद आपको ये जो वेपन्स आपको ये दिख रहे हैं, ये सारे मराठा पीरियड के हैं, मराठा पीरियड के टाइम ये सब वेपन्स का यूज़ किया जाता था। और उसके बाद ये जो वेपन्स आपको दिख रहे हैं, ये ब्रिटिश भी टाइम के हैं, ब्रिटिश टाइम के ये सब वेपन्स यूज़ किया जाते थे, और ये हिस्टोरिक वेपन्स हैं, इन वेपन्स का यूज़ करके जंग में यूज़ किया करते थे ये सब। जितने भी आपको ये वेपन्स या गन्स आपको ये बिल्कुल सामने आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी जंग के टाइम यूज़ की गई हैं, और ये सारे के सारे हिस्टोरिक वेपन्स हैं, तभी इनको एक म्यूज़ियम में रखा गया है। फिर उसके बाद अगर आपको बताया जाए कि ये डिफरेंट डिफरेंट किस्म के बर्तन आपको ये दिख रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट बर्तन आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स के हैं, जैसे कि ये सामने आपको गोंड ट्राइब दिख रही है, गोंड ट्राइब ये भी इंडिया में ही होती थी, ये गोंड ट्राइब की ये जो आपको बर्तन दिख रहे हैं, ये सारे गोंड ट्राइब के बर्तन हैं, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के बर्तन, इन्हीं से खाना बनाना, इन्हीं का सारा वो गुजारा हुआ करता था।
गोंड ट्राइब के बाद अगर आपको हम आगे ले चलें, या जो आगे सामने आपको ट्राइब दिख रही है ये है बंजारा ट्राइब। तो ये बंजारा ट्राइब है, ये जितना भी इनका काम होता था, ये बंजारे जो होते हैं ना, बैंगल्स वगैरह का काम होता है जिनका, ये सब वो काम उनका हुआ करता था, और इसको तभी बंजारा ट्राइब नाम दिया गया है, जितना भी उनका बैंगल्स का काम। उसके बाद में थोड़ा सा मैं आगे अगर आपको ले कर चलूँ, तो ये जो आपको वेपन्स और ये जो कुछ भी आपको ये सामान वगैरह दिख रहा है, ये आपको मैं ट्राइब बता रहा हूँ, ये हमारे पास है कोरकू ट्राइब। कोरकू ट्राइब हुआ करती थी, वो भी इंडिया की एक ट्राइब होती थी। तो वो ये सारा जो सामान है ये उस ट्राइब के थ्रू यूज़ किया जाता था, थ्रू इन द सेंस वो लोग यूज़ किया करते थे। उसके बाद एक और ट्राइब है, वो ट्राइब आपको मैं नाम भी उसका बता देता हूँ, ये है मादिया ट्राइब। मादिया ट्राइब ये सारा सामान आपको जो दिख रहा है मादिया ट्राइब वाले यूज़ किया करते थे। तो फिलहाल म्यूज़ियम हुआ ख़त्म और मैं आपको दरगाह की तरफ ले चलता हूँ, और जिस दरगाह पे हम आए हैं उस दरगाह की आपको भी सैर करवाते हैं और हम खुद भी सैर करते हैं। सो चलिए अब दरगाह के बारे में हम जानते हैं। छोटी सी चौक है ये, यहाँ पे विधान भवन उस साइड पड़ता है, उस साइड से हम आए हैं इस साइड की तरफ आपको ये मीठा नीम शरीफ दिखाने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। हम बाबा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानना चाहेंगे। बाबा हज़रत ऐसा है कि सन 1857 में जो गदर हुआ था उसमें सऊदी अरब से जो फौजें आई थी उनका जो तख्ता पलट हुआ था सऊदी अरब में, तो वहाँ की फौजें इंडिया की तरफ आ गई, तो हज़रत बाबा उसके साथ और भी थे, यहाँ अरब का बाड़ा मौजूद है मालदारपुरे में भूतिया दरवाजे में, तो लिहाजा बाबा जान जो थे फौज में थे, तो यहाँ भोसला राजा की अरब रेजिमेंट में एडमिट हो गए वो जी। तो उन्होंने यहाँ जंग लड़ी 1857 में और यहीं शहीद होकर यहीं इनको रखा गया। ओके, तो तब से इनका मज़ार यहाँ पे, तब से तकरीबन 200 साल हो गए मज़ार शरीफ। इनके नाम से कोई ट्रस्ट चलता है? कोई ट्रस्ट नहीं है, ये प्राइवेट है दरगाह। अच्छा। टाइम से चालू होती है, टाइम से बंद होती है। ओके जी, कोई और नजराना और वगैरह यहाँ लिया नहीं जाता, चंदा वगैरह नहीं होता है। क्या आप यहाँ के निज़ामी हैं? मैं यहाँ का निज़ामी मोहम्मद निज़ामुद्दीन खान कादरी, हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है। इनकी जो बाकी बाबा जी की बाकी फैमिली है वो सऊदी अरब में है? ये पता नहीं, 200 साल पहले का वाकया है। जी 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 जी, चलो शुक्रिया सर। शुक्रिया। नोक चोक हो जाती है, तो ये कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे? ये मंगने खाने वालों को लेके जाओ, नहाते नहीं है? नहाते रोते नहीं है। मुझे बोल रहे हैं कि ये जो मांगने वाले हैं ये कपड़े गंदे लगा, लड़कों के लिए कह रहे हैं एक्चुअल में, वो नहाते धोते नहीं है तो इनको पेपर में छपवाओ। नहाते धोते नहीं, जुआ निकालते, दारू पीते, खाना पीते और मारते हैं। ऑलमोस्ट मेरे शूट है जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन आज मजे की बात
थोड़ी सी हंसने वाली बात इन्होंने की मेरे साथ, ये जो आंटी बैठे हुए थे नीचे कह रहे थे कि ये जो लड़कों के लिए कह रहे थे कि ये नहाते धोते नहीं है, गंदे रहते हैं, इनका जुए पड़ी रहती हैं और ये गांजा दारू पीते हैं और हमें मारते भी हैं। पता नहीं क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, हंसी आई इस बात को सुन के। अच्छा, अब करते हैं शाह भाई के बारे में बात के। देखिए डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ आ रही है, पर मैं बता रहा हूँ, अभी तक भी बता रहा हूँ कि आपको पका नहीं रहा हूँ कि कोई भी अपडेट्स नहीं है। आपको किसी भी चैनल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी कोई भी अपडेट्स बाहर नहीं आ रही हैं, अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ पता करने की और आपके पास में न्यूज़ पहुँचाऊँगा कि अभी क्या चल रहा है, कितना टाइम लगेगा, और ये नहीं बता सकता हूँ कितना टाइम लगेगा, मैं आपको इतना बता दूंगा कि क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो जो भी रियल अपडेट्स होगी आपको इस चैनल से मिलेगी। मैं बहुत जल्दी शहाब भाई के पास जाने वाला हूँ, मेरा 10 तारीख को दिल्ली में चेकअप है। मैं देखता हूँ 10 से पहले जाऊँगा या 10 से बाद जाऊँगा, लेकिन मैं उनके पास बहुत जल्दी जाने वाला हूँ क्योंकि उनके पार्सल्स हैं कुछ मेरे पास। अच्छा, अभी सब कुछ दिखाने के बाद मैं बाज के कॉलेज में आ गया था, और इसके कॉलेज में आके ये बहुत प्रिंसिपल मैम से बहुत ज़्यादा डर रहा था और काफ़ी वेट करके भाई यार दिल में रिस्पेक्ट। अब मैं वो इसकी वीडियो भी मैंने आपको दिखाऊंगा मैं आपको, तो अभी थोड़ी देर के लिए देखना आप वो वीडियो। अच्छा गाइस, अभी अरबाज गया है अपनी प्रिंसिपल मैम के पास, जा ही नहीं रहा था बहुत डर डर के जा रहा था, बहुत डर डर के अभी बिल्कुल उनके पास गया है। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, वो बिल्कुल प्रिंसिपल मैम के पास खड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। बहुत डर रहा था। कोई बात नहीं, तो वीडियो देखी आपने, वो वीडियो देखी आपने कैसे ये डर रहा था, मैम के पास जा ही नहीं रहा था और पीछे से मैं इसका शूट कर रहा था। डर नहीं रहा था मैं यार, रिस्पेक्ट के दिल ना मैम के लिए, इसलिए मैं थोड़ा ना जा नहीं रहा था मैम के सामने मैं। चलो फिर उसके बाद मुझे भी बुलाया गया, मैंने भी बातें करी उनसे, और बातें करने के बाद मज़े की बात, इतना अच्छा लग रहा था उनसे बात करने का, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, रुक जाना यार, तो मुझे इनवाइट किया उन्होंने, कार्ड दिया, कहा कल यहाँ पे फंक्शन पे आ जाइए। तो कल मैं यहाँ पे इसी के कॉलेज में आके यहाँ पे शूट करूँगा, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी सारा कुछ यहाँ पे इधर ही शूट करूँगा। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा पसंद आई या नहीं आई। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखना है और हमारा भी रखना है। कैसे रखना है? ओ सब्सक्राइब करके, और कैसे, और इम्पोर्टेंट मैसेज जो हमेशा देता हूँ वो अभी भी दूंगा। एक्चुअली बैक कैमरा में कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है और थोड़ी ज़्यादा स्माइल आ रही है हमें, बिल्कुल। इंपॉर्टेंट मैसेज जो हमेशा देता हूँ आपको अभी भी दूंगा कि अपने बच्चों को फ्यूचर की इंपॉर्टेंस बताएं, उनको दारू बीड़ी गुटखा तंबाकू शराब इन सारी गंदी आदतों से बचाएं। खुदा हाफिज़।